दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दस्तगीर मोहम्मद से, जो हैदराबाद में है। और पहली जी बात, जी सर, दस्तगीर, आपका जो नाम बड़ा प्यारा है दस्तगीर, क्योंकि दस्तगीर का जो एक एक रेफरेंस आता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी रेफरेंस आता है, गुरु नानक जब गए बगदाद तो वहाँ थे एक जी जी हाँ पीर दस्तगीर का नाम आता है वहाँ पर। वहाँ पर उनसे उनका कुछ ऐसी गुफ्तगू हुई कि जी जी सर मेडिटेशन के बारे में और स्पिरिचुअलिटी के बारे में है, तो उनका नाम आता है पीर दस्तगीर, बगदाद में थे, उनके उनके हवाले से हाँ आता है। आपका नाम भी उनका दस्तगीर है? उनका पूरा नाम अब्दुल कादर जीलानी है साहब, अब्दुल कादर जीलानी दस्तगीर है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और तो मौके की बात है कि आप भी दस्तगीर हैं, जी जी सर और बताएं क्या है आपके मन में, क्या है कनाडा के हवाले से, क्या है आपका, क्या चल रहा है? हाँ सर, ये जो है ना, एक PCL कंस्ट्रक्शन लिमिटेड कंपनी ने मेरे को ये ऑफर लेटर भेजा है, और श्योर, कॉलिस ओवरसाइज कंपनी ने मेरे को ये ऑफर लेटर भेजी है। किसने 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 क्या, पीसीएल कंपनी अलग है, ऑफर किसी ने और भेजी है, वो कौन है? हाँ कॉलिस ओवरसाइज, हमें नहीं पता कौन है, नाम ये लोग कौन है, लॉयर हैं, वकील हैं, एजेंट हैं, कौन है ये लोग, ये एजेंट है बोलते हैं सर, कहाँ पर है ये? ये बोलते हैं कोलकाता में है हम लोग। ये बोलते हैं कोलकाता में है, तो ठीक है, तो ये करते क्या है, आपके साथ इनका कैसे रब्ता हो गया भाई? ये लोग मैंने फेसबुक पे देख के ऐड डाला था सर इनके संगात। फेसबुक पे बड़े यार नौकरी निकलती हैं, कनाडा के लोग बेरोजगार हैं और फेसबुक पे नौकरियां निकल रही हैं, बड़ी हैरानी वाली बात है। आपने एक डॉक्यूमेंट मेरे को भेजा, किसी का वर्क जी परमिट लगा है, काथरी वेल, काथिर वेल, मुरुगेशन, ये लोग कौन है, ये कौन है? आपका नाम तो दस्तगीर है, ये कौन है? नहीं, वो लोग, ये दूसरी कंपनी ने वालों ने मेरे को शो किया है सर ये पेपर में। ये तो दूसरी कंपनी है तो, लेकिन कलकत्ता वाले अलग हैं, पीसीएल अलग है, तो इससे ऐसा कोई हाँ कोई मतलब तो है नहीं। ये डॉक्यूमेंट जो आपने भेजा है, जो है काथरी हाँ काथिर वेल का, ये तो असली डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन सी दैट इज़ अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट। तो इसको तो मैं बंद कर देता हूँ, यहाँ तो इसमें कुछ नहीं है तो। अच्छा, और हाँ जी बताएं। ये जो है ना सर, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं ना, वो दूसरे चंडीगढ़ से आए थे मेरे को। कोई कहाँ से आया है, बहुत तरह तरह की हेरा फेरियाँ हो रही हैं, कोई कहाँ से भेज रहा है, कोई क्या भेज रहा है, तो और देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट जो, ये क्या है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे? स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, आप बताएं, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा? नहीं, आपकी फोटो आ रही है। ओके, लेट्स टेक अ लुक, मे बी अगर ऐसे आ हाँ आ जाए। गया, आपकी फोटो आ गई। नहीं, मेरी फोटो की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा है स्क्रीन पे जो मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ? नहीं, दिख रहा सर। चलो, ना दिख रहा, कोई बात नहीं। विपुल विपुल धीर सुधीर बंसल, ये डॉक्यूमेंट किसने भेजा है, ये वर्क परमिट किसने भेजा है? ये वर्क परमिट दूसरी ऑफिस से आया है सर, या उसने मैंने वहां पे भी डाला था। उनको सुन ले, मेरी बात सुन ले, उनको बता हाँ दें, दूसरी कंपनी को बता दें कि आपका काम नकली है, ये वर्क परमिट नकली है, जो उन्होंने डॉक्यूमेंट बना के भेजा ना, ये वर्क परमिट है ही नहीं वैसे, ये तो है सब नकली है, तो इसमें इसमें कुछ नहीं है। तो ये तो बात हमारी खत्म हो गई, ये नकली है। और देखिए आप भेजा है भाई साहब, सामान बहुत भेज रहे हैं, ये वाला तो असली लग रहा है, तो इट्स ओके, आई डोंट वांट टू गो देयर। ये एक लेटर ऑफ अटेस्टेशन भेजा है, ये कौन है, दीपेंद्र जैना, तरह तरह के नाम इसमें खिचड़ी बना दी है, कहीं नाम किसी का कुछ और है, किसी का कुछ और है, ऐसे लग रहा है कि जैसे कि वो बिरयानी बन रही है, तरह तरह के मसाले मिला रहे हैं यहाँ पर। ब्लू जी जी बेरी जी लेटर सर्विसेज ब्ला ब्ला, दीपेंद्र जैन, हाँ वडा केंद्रा पारा उड़ीसा, ये सब हाँ ब्रदर, ये सब नकली है, छोड़े इन सब बातों को, ये सब नकली है। हाँ कोई पैसे तो नहीं फंस गए आपके कहीं? नहीं, वो पैसे मांग रहे थे सर मेरे से 20,000। अभी कुछ पहले दिए कि नहीं? नहीं, अभी किसी को पैसे नहीं दिया मैं, जब तक आपने आपसे बात नहीं हो जाएंगी मैंने सोचा किसी को पैसे नहीं दूं। क्या बात है, वाह, मेरे को लग रहा है कि मेरा जो धंधा है, मेरा काम है, मेरा जो जन्म है, मैं इस दुनिया पे आए हूँ ये काम करने के लिए, कि लोगों को बताऊं कि कहाँ पैसे देने हैं, कहाँ नहीं देने। जी, मेरे थैंक यू पास सर। रोज के इतने कॉल्स आते हैं, आई कैन नॉट इवन टेल यू, आई डोंट इवन हैव टाइम टू टेक ऑल द कॉल्स, पर रोज के ओके मान लो कि मिडिल ईस्ट से और इंडिया से कम पाँच छः कॉल्स रोज आते हैं कि मेरे को यहाँ से जॉब मिल गया, वहाँ से जॉब मिल गया, मेरे पैसे फंस गए, मेरे को पैसे अभी और देने हैं, और वो मेरे से पूछते हैं कि भाई ये है कुछ नहीं, और निकलता कुछ नहीं है। कल एक किसी का जॉब
कॉल कर रहे थे कराची से, उनका जॉब असली था, आई वॉज वेरी हैप्पी. पर ये जो आपने दीपेंद्र जैन वाला जो भेजा है डॉक्यूमेंट, ये भी नकली है सब? दोनों भी नकली है सर, हाँ जी, दोनों दोनों कॉपी भी नकली है वो. That's right. Everything is nakli. Everything. So it does not matter. You know, all these documents are fake. They are just trying to, I guess, you know, what can I say? They are just trying to fool you. तो yes. आप अगर बच सकते हैं, आपका नाम ही दस्तगीर है, आपको तो दूसरों को हाथ पकड़ के उठाना है, और आप खुद भी बचें, दूसरों को भी उठाएं, और हैदराबाद में बताएं कि भाई ये सब चीजों से बच के रहें. ये सब नकली है. और बताएं मेरे लिए कोई और हुकुम है कि? नहीं नहीं बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, आप मेरे को इतना रिस्पेक्ट दिया, आप मेरे से इतनी बात करें, मेरा दिल खुश हो गया. थैंक यू, आपको सलूट है मेरी तरफ से. थैंक यू वेरी मच. कभी हैदराबाद आऊंगा, फिर आके बिरयानी खाने का मौका मिलेगा, बहुत मन कर रहा है. एनी टाइम वेलकम है सर, ये मेरा आपका नंबर है मेरे पास, आपका ये व्हाट्सएप है, ये स्काइप कॉलिंग है, कभी भी आपके आपके कॉल करिए, मैं रिसीव कर लूंगा आपका. नहीं, थैंक यू वेरी मच. हैदराबाद में तो बहुत मेरे वो है, जिन्होंने मेरे को बुलाया था, आज से 2.5 साल 3 साल पहले एक कंपनी थी, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, उन्होंने मेरे को बुलाया था वहाँ पर हैदराबाद में. तब मेरे को हैदराबाद के बारे में कुछ मालूम नहीं था, और जब मैं वहाँ पहले आया तो मैं हैरान रह गया कि ऐसा भी शहर है हमारे हिंदुस्तान में जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, और यहाँ का खाना पीना, और यहाँ का घूमना फिरना, और यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर. इट वॉज ग्रेट. इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशन कि हैदराबाद में जो मेरे को, और वहाँ का जो आम है, आम क्या बात है, क्या आम, क्या पता नहीं कौन सी किस्म का आम था वो. और वो हयात है सर, हयात आम. नो आइडिया, दिस वाज लाइक वेरी बिग. मैं तो उस आम को खाने के बाद दशहरी आम भूल गया, जबकि मेरा दशहरी आम भी बहुत फेवरेट है, तो उसको खाने के बाद मैं दशहरी आम भी भूल गया. मैं कहा यार ये जगह अच्छी है, बेकार इधर उधर दुनिया में धक्के खाने के लिए कोई जा रहा है, कोई इमिग्रेशन कर रहा है, कुछ है. अगर लोगों को पता लगे हैदराबाद के बारे में तो शायद हैदराबाद में इमिग्रेशन करने लोग आ जाते हैं ना, हम तो यही बैठे हैं. अच्छा है, और इट्स अ वेरी नाइस हाईली क्वालिफाइड पीपल देयर, इट्स अ ग्रेट ग्रेट प्लेस. थैंक यू वेरी मच दस्तगी. थैंक यू मोस्ट वेलकम सर, यू कमिंग, आई एम रिसीव टू यू. टेक केयर. थैंक यू. ओके बाय सर, गुड मॉर्निंग. बाय बाय. बाय बाय.